हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका भरत में। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आपको एक सिंपल सा करवा चौथ के लिए मेकअप बताने वाली हूँ, जिसमें मैंने ना फाउंडेशन यूज़ किया है ना काजल यूज़ किया है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें होती कॉमन जैसे आई शेडो मस्कारा वो मैंने यूज़ की है। बहुत सिंपल सा मेकअप है ये, लेकिन बहुत अच्छा लुक देता है और बहुत जल्दी हो जाता है। हम बहुत जल्दी रेडी हो सकते हैं क्योंकि करवा चौथ के दिन बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती है, तो तैयार होने में इतना हमें वक्त नहीं मिलता तैयार होने के लिए। तो ये बहुत सिंपल सा मेकअप है, आप ट्राई कीजिए और देखिए। चलिए देखते हैं कि ये मेकअप कैसे किया है मैंने। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत सिंपल सा मेकअप चाहिए, तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स आजमाई हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लैक्मे का पीच पिंक मॉइस्चराइज़र लिया है, जो ऑयल स्किन टाइप है। ये चिपचिपा नहीं होता है, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये बहुत देर तक हमारे स्किन में मॉइस्चराइज़र बनाए रखता है। मैं इसे रोज़ यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ कीजिए। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने इसे टैप टैप करते करके पूरे अपने फेस पे इसे अच्छे तरह स्प्रेयर कर लिया है। मैंने नेक पे भी लगाया इसे और अच्छे से मैंने इसे स्प्रेयर कर लिया है। इसके बाद मैंने अपनी फेस क्रीम ली है जो रूपअमृत की है। एक्चुअली ये फेस क्रीम मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे पहले बहुत पिंपल्स का प्रॉब्लम था, अभी भी है, क्योंकि मैंने समर सीज़न में बहुत ज़्यादा आम खा लिए थे। मुझे आम सूट नहीं होते, इसके लिए इसकी वजह से मुझे पिंपल्स आ गए, तो उसके लिए मैंने ये रूपअमृत की ट्रीटमेंट शुरू की है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, वो भी बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। ये क्रीम बहुत अच्छी है, इसका जो ये जो पूरा पैकेज है रूपअमृत का वो भी बहुत अच्छा है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये क्रीम भी मैंने पूरी तरह टैप टैप करके अपने फेस पे स्प्रेयर कर ली है। नेक पे भी मैंने इसे अच्छी तरह से स्प्रेयर कर ली है। ये आयुर्वेदिक क्रीम है, ये ऑल स्किन टाइप है, सबके लिए ये अच्छे से सूट होती है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो हर कोई इसे ले सकता है। इसके बाद मैंने जो मियोन का कॉम्पैक्ट है ऑयली स्किन के लिए रहता है ये, वो लगाया है। उसे मैंने अच्छी तरह से अपने स्किन पे स्प्रेड कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे स्प्रेड किया है। ये मियोन का कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है, ये आपके चेहरे में जो ऑयल रहता है ज़्यादा ऑयल वो कंज्यूम कर लेता है और एक अच्छा लुक देता है, और हमारे चेहरे पे जो निखार है वो ज़्यादा देर तक रहता है, इसकी वजह से चिपचिपापन नहीं रहता। उसके बाद मैंने जो ब्लशेस है वो इस्तेमाल किए हैं, वो मैंने हाथ से ही लगाए क्योंकि मुझे ब्रश यूज़ नहीं करने थे, मुझे जल्दी से जल्दी मेकअप कवर करना था, तो इसके लिए मैंने अपने हाथों से ही अपने चीक्स पे ब्लश लगा लिए हैं और उसे अच्छी तरह से सेट कर दिए हैं। आप चाहे तो ब्रश यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रेड कलर के पिंकिश रेड था वो, पूरा पिंक भी नहीं था, वो लिया है और उसे अच्छी तरह से लगा लिया। इसके बाद बारी आती है आई मेकअप की। यहाँ पे मैंने सिर्फ मस्कारा आई शेडो और आई लाइनर से मेकअप किया है, मैंने काजल और आईब्रो पेंसिल भी यूज़ नहीं की है। यहाँ पे भी मैंने जो ब्लश लगाए थे उसी से मैंने आई शेडो लगाया है और उसके साथ मैंने पीच कलर के जो आई शेडो थे वो भी थोड़े से लगा लिए हैं, एक अच्छा निखार आ जाता है और मेरे साड़ी के साथ वो भी मिलजुल रहा था। ये भी मैंने हाथों से ही अपने फिंगर से ही इसे स्प्रेड किया आँख पर, तो ये अच्छा लुक आया। आप ब्रश से लगा सकते हो, मैंने ब्रश भी नहीं यूज़ किया, मुझे सिंपल से फटाफट जल्दी कर लेना था इसलिए मैंने ये कर लिया है। इसके बाद मैंने लाइनर लगाया है, ये मैंने मैक का लाइनर लिया है, ये
मुझे बहुत टोप जाता है लगाने में, लेकिन फिर भी मुझे लाइनर लगाना अच्छा लगता है। काजल से ज़्यादा मुझे लाइनर ही अच्छा लगता है, एक अलग सा निखर आ जाता है। अगर आपके लाइनर आँखों में लाइनर लगाते समय वो फैल जाता है या पे गलती से कहीं पे भी लग जाता है, तो ये जो बर्ड्स रहते हैं उसके हेल्प से आप उसे क्लीन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बारी आती है मस्कारे की। ये जो मस्कारा है मैंने ये मेबिलिन कंपनी का लिया है, जो मैंने पर्पल ऐप से लिया था, मुझे डिस्काउंट पे मिला था। बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत एक अलग लुक देता है ये हमारे आँखों में। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये मस्कारा। देखिए कुछ इस तरह से। मैं ज़्यादा आई मेकअप मैं ज़्यादा मेकअप करती ही नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है मेरा, लेकिन ठीक है, मुझे सिंपल ही मेकअप दिखाना था तो ठीक है, हो गया। इस तरह से मैंने अपना आई मेकअप कवर कर लिया है। अब बारी आती है लिप्स मेकअप के बारे में। तो इसके लिए मैंने अपने लिप्स को पहले से ही मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। मैं लिप बम नहीं यूज़ करती, मैंने मॉइस्चराइज़र ही लगाया था। इस अभी मैं साड़ी मेरी रेड है, तो मैंने रेड कलर की ही लिपस्टिक लगाना, ऐसा कुछ नहीं। मुझे पिंक ही लिपस्टिक अच्छी लगती है, मेरी डस्की स्किन है, इसकी वजह से मेरे स्किन पे यही सूट होता है ये कलर, तो मैं यही लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लू हेवन की है, जो मैंने पर्पल ऐप से ली थी, बहुत रिजनेबल रेट में मुझे ये मिली डिस्काउंट में, और बहुत अच्छी मैट लिक्विड लिपस्टिक है ये, बहुत अच्छी है। एक अलग सा लुक आ जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि रेड है तो रेड ही लगाना है, आप अलग भी लिपस्टिक ट्राई करो आपकी स्किन के हिसाब से, तो वो भी बहुत ज़्यादा खिलती है। आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको लिपस्टिक चॉइस करनी चाहिए। मैं रेड नहीं लगाती हूँ, मुझे यही कलर अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हमारा मेकअप ओवरऑल तैयार हो सेट हो चुका है। बहुत सिंपल वे में मैंने ये मेकअप कंप्लीट किया है, ज़्यादा देर नहीं लगी इसे, हार्डली ये मेकअप 7-8 मिनट में मेरा हो गया, कुछ देर नहीं लगी। इसके बाद मैंने साड़ी पहन ली, नेकलेस लगा लिया नेक में, उस झुमके पहन लिए, कंगन पहन लिए, सिंदूर लगा लिया, माथे पे बिंदिया लगा ली और तैयार हो गई। ये मैंने हेयर बन में जो बन बनाया है वो मेरा अच्छा नहीं आया, क्योंकि वो अच्छा नहीं था। ठीक है, बाय बाय।